यार बिल्डिंग्स ने ना लुक बढ़ा दिया अपने हॉस्टल का साला। ये पीछे बैठा है हमारा क्लासी। गाड़ी चल लेते बस कर ये सीट पे फैल के बैठा है। भाई क्या व्यू आ रहा है यार। चलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज भानु प्रताप सिंह हमारे बैचमेट 2014 बैच का बर्थडे है, एमबीबीएस भी बोलते हैं जिन्होंने एमबीबीएस कर लिया, और उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में जो है हम सभी रीवा से बहुत दूर बाणसागर डैम और बरसीली घूमने जा रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा, आप देख सकते हैं रास्ता, आगे पहाड़, कार, पेड़, ट्रक, बहुत अच्छे अच्छे दिख रहे हैं सभी के सभी, और बहुत मजा आ रहा है। नीतीश हमारे साथ ही इसे कंटिन्यू करेंगे आगे। नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी वाटर बॉडी है। दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर नीतीश कुमार सिंह, और जैसा कि मेरे साथी आर्यन गढ़वाल ने बताया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। डॉक्टर आर्यन गढ़वाल ने बताया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो ठीक है चलते हैं और क्या। तो दोस्तों हम लोग पहुंचे हैं अप्रोक्स, ये है मुकुंदपुर यही आसपास कहीं, हमें नहीं पता है। हाँ, व्हाइट टाइगर रिजर्व, यहाँ पे पहला व्हाइट टाइगर रिजर्व। तो मैं अब अपने प्रिय मित्र डॉक्टर विक्रम कुमार बैरवा, द मोस्ट लीडिंग मेडिकल ऑफिसर ऑफ इंडिया, डॉक्टर विक्रम बैरवा से मिलवाना चाहूंगा। ये है कोरोना वॉरियर, कोविड मेडिकल ऑफिसर, कोविड एक्सपर्ट। हाय दोस्तों, कोविड एक्सपर्ट। तो ये बताएंगे कि हम लोग कहाँ पे हैं, कहाँ है बता। हम गोविंदगढ़ से जस्ट 4-5 किलोमीटर पहले है। गोविंदगढ़ के बाद जुहिया घाटी लगेगी। रीवा के लोगों को बहुत डर लगता है जुहिया घाटी, बहुत डेंजरस जगह है वहाँ पे। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में आते रहते हैं वहाँ से। पहले जब हम फर्स्ट ईयर में इधर से गए थे तो शिवशंकर मिश्रा हमारे बैचमेट जो है वो बताते थे कि यहाँ पे आपको ऐसा लगा कि आप बादलों के बीच से तैर के जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और सच में माहौल वैसा ही है वहाँ पे, बिल्कुल पूरी कोहरे का माहौल है पूरी तरह से, आसमान की ऊंचाइयों में कोहरा ही कोहरा। पहाड़ दिखाना है, पहाड़ नहीं, ऑडियंस को बोर करने की बात है, पहाड़ दिखाना हमें किसी। हेलो दोस्तों, दिस इज डॉक्टर विक्रम, दिस इज डॉक्टर आर्यन गढ़वाल, दिस इज डॉक्टर नीतीश कुमार सिंह, और हम बैठे हैं अभी और अभी हम जा रहे हैं बाणसागर। बाणसागर डैम एक्चुअली में एक काफी ज्यादा माना हुआ बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी वाटर बॉडी, इवन मध्य प्रदेश की क्या कि इंडिया में उसका फर्स्ट सेकंड है, बहुत बड़ी वाटर रिजर्व बॉडी है, और वहां से नदी का उद्गम हो रहा है, नदी का उद्गम एकदम सही वहीं से होता है उस नदी का उद्गम। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके सही है विक्रम बरवा, और वहां तक जाने का जो रास्ता है ना एकदम पहाड़ों के बीच से जुहिया घाटी क्रॉस करते हुए, और बेहतरीन रास्ता है, मतलब आपको एकदम जंगल का फील आ जाएगा। तो क्या है कि मैं इसका सामने वाला रास्ता कैमरा की तरफ देख नहीं सकता, वरना कभी दिक्कत आ जाएगी, नहीं तो देख सकता है बिल्कुल। माहौल जो है एक नंबर है। अभी डॉक्टर नीतीश अभी बाहर जाएंगे, शायद कुछ पीने के लिए लेकर आएंगे, पानी वगैरह। डॉक्टर नीतीश बाहर जाएंगे लेकिन ऐसे जाएंगे बाहर, ऐसे जाएंगे, ऐसे नहीं बच्चा, ऐसे जाएंगे। और आसमान की ऊंचाई को चीरता हुआ सुपरमैन की बील करते हुए डैशबोर्ड को मत चलते डॉक्टर नीतीश, आसमान की ऊंचाई को चीरता हुआ ठोक के चला जाएगा नीचे। बहुत अच्छा लगा मुझे ऊपर जाके। मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि मेरी कोविड पॉजिटिव में ड्यूटी चल रही है, और मैं आज नाइट ड्यूटी करके आया हूँ। अभी मेरा सैंपलिंग हुआ नहीं है कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर हम लोग जा रहे हैं मेरे बैचमेट का बर्थडे सेलिब्रेट करने। हमारे बैचमेट है डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, आज उनका जन्मदिन है, तो उनके अवसर पर हम लोग आज जा रहे हैं परसीली, बाद हम लोग बाणसागर जाएंगे। कंटिन्यू करते हैं अब परसीली में, अब झूठ मत बोलना। नहीं, अब कंटिन्यू करेंगे अपन जुहिया घाटी, अभी हम लोग रास्ते में ब्रेक लेंगे जुहिया घाटी, थोड़ा सा पानी वानी पिया जाए, थोड़ा सा कुछ गलत सूख रहा है हमारा, बोलने में दिक्कत आ रही है। बाकी आपको बोर नहीं होंगे, ये और बिल्कुल नहीं होने देंगे, इसकी गारंटी है हमारी। तीनों भाई जो है हम ब्लैक चश्मा, ब्लैक टी शर्ट, शर्ट जो भी है, ये एकदम से ट्विनिंग या फिर क्या बोलेंगे उसको, तीन लोग जो करते हैं क्या बोलते हैं, ट्रिपलिंग। और हमारी ब्यूटी भी ब्लैक है बिल्कुल एकदम, वीडियो का अपन यार यही रखेंगे जो अपना ऑल ब्लैक नहीं ऑल ब्लैक रखेंगे ना, हमने 15 लाख की कार ले रखी और ये वीडियो शूट रहा है वन प्लस में, लेकिन हमारे पास में फोन रखने के लिए कोई स्टैंड नहीं है, मैं सब पकड़ के बैठा हूँ। हम लोग चल रहे हैं ठेके की तलाश में, तीन लोग ठेके की तलाश में, और ये हम हैं अभी गोविंदगढ़ मेन सिटी में। गोविंदगढ़ एक तहसील है रेवा जिले की, जो कि भरी पड़ी है टूरिस्ट प्लेस के साथ,
बहुत शानदार शानदार वाली टूरिस्ट का तालाब है, गोविंदगढ़ का तालाब, गोपाल बाग, गोविंदगढ़ का किला और मोस्ट प्रेस्टीजियस पिकनिक स्पॉट हमारा यहाँ पे कंदो नाम है ना उसका, कंदो है जहाँ पे एक बहुत शानदार वाला शिव जी का टेम्पल है। कंदो क्या जगह है वो पूरा एक्चुअली में जो अपना वो झरना वरना जो है ना वहाँ पे जहाँ पे पिकनिक मनाने आते हैं लोग यहाँ पे फ्री टाइम में, छोटी गंगा बोलते हैं उसको यहाँ पे। नहीं छोटी गंगा ही है वो एक्चुअली में, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर वहाँ पे फ्लो होता है एकदम नेचुरल तरीके से पहाड़ों के बीच में से आता हुआ। पराग का फोन है यार, वो आगे रुकने का बोल रहा है आगे। हाँ तो वहाँ रुकेंगे अभी हम, थोड़ा ढाबे पे रुकेंगे एक्चुअली में, पेट में थोड़ी गड़बड़ हो रही है मेरे बैचमेट को और कुछ लोगों के अंदर उत्तेजनाएं बढ़ रही है, कैसा लग रहा है कि उनको थोड़ी शुगर और हाई एनर्जी कंटेंट की जरूरत है। केला उसको है बाबा सीड, उसको हम केला खिला के बाबा सीड सही करेंगे, बाबा सीड सही करने का रामबाड़ इलाज है हमारे पास। केले खिला के ये यहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम है, यहाँ पे पिछले जमाने में यहाँ पे बहुत अच्छे खासे वाले मैच हुआ करते थे, इसमें राजा महाराजों के टाइम पे यहाँ पे पोलो के मैच हुआ करते थे स्टेडियम में, गुल्ली डंडे तो आज होते हैं, पहले यहाँ पे कंचे खेलते थे यहाँ पे, पहले पोलो हुआ करता था यहाँ पे, अब तो गुल्ली डंडे क्रिकेट वगैरह चलता है। हाँ पलंग पोलो नहीं, घोड़े वाला पोलो, घोड़े वाला पोलो। हाँ पोलो नहीं, इस चीज को काट दिया जाएगा, इसको काट दिया जाएगा, ये चीज एडिटिंग करने वाले हमारे चीफ एडिटर डॉक्टर नीतीश कुमार सिंह ब्ला ब्ला ब्ला, कृपया इसको काट दे। वर्ल्ड मोस्ट लीडिंग, ये आप पीछे देखा है यहाँ पे घोड़ा वन है शानदार वाला, और हमें दिखना शुरू हो गया यहाँ के नज़ारे, चुईया घाटी के नज़ारे बहुत ही शानदार है। और अभी हम जा रहे हैं ढाबे पे जहाँ पे हर वैरायटी के कॉन्डोम्स मिलते हैं, कट्टा जामुन, जहरीला जामुन, ये गाड़ी भानु प्रताप सिंह की है, और जो हमारे चार बैचमेट है वो सामने बैठे, ये गाड़ी खड़ी हमारे बैचमेट की भानु प्रताप की गाड़ी है, भानु प्रताप यहाँ पर ही हो गई पे ये बैठे हैं ट्रैवल ब्लॉगर हम लोग, और ये लड़का क्या बैठे आज डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, डॉक्टर पराग जैन इनका नाम पता नहीं है, और डॉक्टर आशीष परेरिया, और यही वो है जिसको बाबा दी रहे, जिसको बाबा दी रहे वही है। ट्रैवल ब्लॉगिंग के साथ हम लोग फूड ब्लॉगिंग भी करते हैं, और अब हम लोग करेंगे फूड ब्लॉगिंग, हमारे साथ है फूड एक्सपर्ट पराग जैन, डॉक्टर पराग जैन इस चक्कर में बनारस कैंसिल करके ये किया, अब भोसड़ी वाले ने इसमें भी रख दिया, नहीं जाना। कितने गए बताना चाहिए? भदौरिया माता चौक में, चौरा सिंह भदौरिया, चेहरा सही नहीं है, कोई फीमेल तो नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं समोसे आ चुके हैं, अब हम चलेंगे अपने फूड ब्लॉगर के पास और उनसे पूछेंगे समोसे की क्वालिटी कैसी है। आप बताना चाहेंगे कुछ? क्या रिव्यू दिया है भाई ने, एक नंबर। समोसे कैसे है? गरम गरम चाहोगे। डॉक्टर विक्रम बताएंगे समोसे कैसे बने, बता भाई। यहाँ के समोसे बहुत फेमस हैं, बहुत दूर से आए हैं समोसे खाने। कुछ बताना चाहेंगे समोसे में ऐसा खास क्या है? समोसे का रिव्यू तो डॉक्टर केला से पूछिए, इधर बवासीर रहने के बाद। क्यों डॉक्टर केला, समोसे कैसे हैं? गुनगुनी है। हेलो सिर पे रहे गुनगुने कहते हैं गुनगुने चिरपिरे अंकल खट्टी चटनी। अरे एक और लाना है।
और एक सिंगल समोसा ला भाई, दही बहुत सही है इसका, टेस्ट किया जा सकता है। अब इसमें पानी दूंगा। हम आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं रीवा की बहुत खास क्वालिटी के बारे में, यहाँ की डिफरेंट वराइटीज के आम, जो कि खास यहीं के बागानों में, यहीं के आम के बागानों में पाए जाते हैं आम, और कहीं नहीं पाए जाते। ऐसे आम वैसे पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये देखने में सारे आम एक जैसे हैं, लेकिन इनका सबका टेस्ट अलग अलग है। और इनकी साइज़ देखिए आप, कम से कम मान के चले कि आधा किलो से बड़े आपके, एक आधा किलो का आम है ये। बगीचे के मालिक का कहना है कि सारे आम दिखते एक जैसे हैं, लेकिन इनका टेस्ट बहुत अलग वैरायटी का है। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये हमारे गोविंदगढ़ की खास वैरायटी है। इस आम का नाम क्या, लंगड़ा की चौसा, लंगड़ा आम है, चूसा, ये लंगड़ा आम है, ये चौसा आम है, ये चौसा आम, ये चौथा है, वो लंगड़ा है, और वो बहरा आम है, वो बहरा है, वो लूला आम, वो लूला आम है। अच्छा, गूंगा कौन सा, ये देसी आम है, ये देसी है, सही है आम यार। हमारी वैरायटी है, नौ प्रकार के आम पाए जाते हैं यहाँ पे, आम के वैरायटी। ये वाले कौन से आम है जो यहाँ काउंटर पे रखे हैं? ये पर थोड़े पके गए हैं, ये पके गए आम है, जैसे ये लंगड़ा आम, ये थोड़ा पका हुआ है। अच्छा, ये भी वैसे वाला है। पश्चिम बंगाल में इस वैरायटी के आम पाए जाते हैं, अभी पाँच पाँच किलो के आम पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में इसी वैरायटी। ठीक है सर, आगे आपको अच्छी चीज दिखाते हैं, आज का दिन बहुत खास होने वाला है, बने रहिए हमारे साथ फूड ब्लॉगिंग। अब हम लोग फूड ब्लॉगिंग के बाद कार ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं, तो अब हम कार ब्लॉगिंग करवाएंगे डॉक्टर विक्रम बैरवा। ये पहली कार है हमारी, होंडा एमएस कार 2018 मॉडल, विथ टू एयरबैग्स, ऑल फोर व्हील ड्राइव, टायर प्रेशर कंट्रोल, ट्रैक्शन सिस्टम, ड्राइवर मालिक नहीं, मालिक वरना के मालिक ये हैं डॉक्टर नीतीश कुमार सिंह, आसमान की ऊंचाइयों में देखते हुए। और ये है ड्राइवर, सस्ते ड्राइवर, जो मतलब ये मल्टी फंक्शनिंग है मल्टीपर्पज़ वर्कर है ये, MSW मल्टीपर्पज सोशल वर्कर है ये। गाड़ी की साफ सफाई, धुलाई, टायरों में हवा भरना, कैमरों पर कर, मैं बता रहा हूँ। तो अब हम दिव्य जा रहे हैं हुंडई वर्ना का, ये हुंडई वर्ना का 2020 मॉडल है, 2020 अपलिफ्ट वर्जन, अपलिफ्ट मॉडल, ऑटोमेटिक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि गाड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है, चू मत गाड़ी को, गाड़ी बाकी भी बहुत अच्छी लग रही है, और इसको बोलते हैं बोनट, गाड़ी का बोनट भी बहुत शानदार है। ठीक है, बोनट इंजन आपको खोल के नहीं दिखाएंगे इसका, इसको बोलते हैं दोस्तों ओ आर बी एम बोलते हैं इसको। इसमें यहाँ पे टर्न इंडिकेटर भी दिया हुआ है, अपना आपको गाड़ी साफ करते हुए कैसा लग रहा है? एक नंबर लग रहा है। कैसा लग रहा है? थोड़ा सही लग रहा है। एक नंबर लग रहा है। तो कितना कमा लेते हैं आप इसमें? 10-15 रुपए मिल जाते हैं साहब एक गाड़ी के, तो ये हाईवे पे बैठे रहते हैं लगा के। खाने वाने क्या रहता है? बहुत आले जाने वाली गाड़ी को साफ करते हाईवे के बगल में बैठ रहे, टुल्ली लगा के, या हाईवे के बगल में बैठ रहे थे टुल्ली लगा के आने वाले। क्या दोस्तों, हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, तो क्या हुआ कि यहाँ पे गरीब बच्चा हमको दिख गया, ये बोला कि साहब गाड़ी साफ करवा लीजिए, गाड़ी साफ करवा लीजिए, पैसा मांग रहा है, बोला गाड़ी साफ करा लीजिए। हमने कहा ठीक है, हमको देखा नहीं गया, वो कहते तो गाड़ी हमारी साफ ही थी, गाड़ी हमारी साफ ही थी, पर फिर भी 10 रुपए देने थे इसको, 10 रुपए थे भाई इसको। ले एक काम करे, कश ले लेते। चॉकलेट फ्लेवर टॉफी, जो मैनफोर्ड की टॉफी आ गई है। अबे टॉफी में रख रखा है, कॉन्डम चूतिया बना रहे हो भाई, एक बार बहुत डिफरेंट वैरायटी से कॉन्डम रखे हुए हैं, अभी है नहीं, स्टॉक खत्म हो गया। कॉन्डम भी सेल है यहाँ पे, लॉकडाउन के चलते सारे कॉन्डम, सारा स्टॉक खत्म हो गया भैया का, लॉकडाउन के चलते लोगों ने रगड़ के पलंग पोलो खेला, बहुत पलंग बुलाए, तो कॉन्डम का स्टॉक खत्म हो चुका लगता है इनके पास। चलो चलो मीठे का यहाँ पे बोलना पड़ता था कि भाई चला ले के यार, थोड़ी सी ऐसे ऐसे झुकी हुई नजरों से, भाई यार थोड़ी सी दर्द, थोड़ी सी चला लेके पीछे बैठो झुकी हुई नजरों देखो ऐसे। अच्छा
इसी एटीट्यूड के साथ में इसमें नहीं कोई जरूरत नहीं है, दारू का नाम लिया हूँ।